किन्नौर समीकरण क्या था हमारा, तो सुनो किन्नौर समीकरण का काम क्या होता है कि कोई भी अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड विभव दिया रहेगा तो वो दो काम करता है, एक इलेक्ट्रोड विभव वाला काम, देखो तेदार एक इलेक्ट्रोड विभव दिया रहेगा कोई भी रॉड का ना, पोटेंशियल तुमको दिया रहेगा कि कितना वोल्टेज बनाता है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण साइड में या अवकरण साइड में वो दिया रहेगा तुमको इलेक्ट्रोड विभव, या क्या दिया रहेगा तुमको, या दिया रहेगा सेल का ईएमएफ दिया रहेगा, दो काम कर सकता है। देखो सेल का ईएमएफ दोनों का वैल्यू ना स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया रहेगा, कौन से कंडीशन दिया रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब मानक स्थिति में, अरे एक मानक स्थिति में दिया रहेगा तो मानक स्थिति से अमानक स्थिति में निकालना है। देखो मानक स्थिति में फिक्स रहेगा तुमको डाटा वगैरह दिया रहता है। देखो एक बात तुम समझ आते, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालते थे, इलेक्ट्रोड विभव जो निकालते थे, वो निकालना तो संभव है नहीं, तुमको एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया रहता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 25 डिग्री सेल्सियस, तो बोले क्या स्टैंडर्ड कंडीशन में क्रोमियम का अवकरण पोटेंशियल दिया हुआ इतना, ये डाटा तुमको दिया रहेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब क्या करेंगे, हम क्रोमियम का रॉड लाएंगे उसके सॉल्यूशन में डाल देंगे और जितना पोटेंशियल दिखेगा वो पोटेंशियल मेजर करके हम बुक में लिख लेते हैं, तो वो हम आगे लिखाएंगे ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में जितना सारा इलेक्ट्रोड व्यवस्था का डाटा दिया हुआ बुक के अंदर में, तो हम आगे लिखाएंगे ठीक है, मेटल एक्टिविटी सीरीज आएगा तब बताएंगे वहां पे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोड विभव दिया रहेगा तो हम सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑक्सीकरण की जगह का और अवकरण की जगह दोनों पे जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल का ईएमएफ निकल जाता है, कौन से कंडीशन में, मानक स्थिति में स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन वाला डाटा तुमको दिया हुआ रहेगा हमेशा ये याद रखना, तो क्या निकालने के लिए बोले वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब सिंपल कंडीशन जब कंसंट्रेशन वगैरह चेंज कर देगा, टेम्परेचर वगैरह चेंज कर देगा, तब जाकर जो क्वेश्चन पूछता है ना इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड, तो कौन सा समीकरण लगाते हैं हम लोग, नॉर समीकरण लगाते हैं। कहां से हम आगे बताएंगे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, आए लग जाए। तो देखो तो नॉर समीकरण क्या था, तो मैंने ना जो सॉल्व करके जो इक्वेशन लिखा था वो लिखने जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड था, एक ऐसा था हमारा सॉल्व वाला था, तो बताओ तो क्या था हमारा फॉर्मूला, ई सेल सेल लिखते हैं पहले, नेट ई लिखते हैं, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.06 लिख सकते हैं, नीचे में क्या रखेंगे हम एन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन या ट्रांसफर हो रहा है वो रखेंगे, इनटू लॉग बेस 10 ऊपर में रखते हैं क्या प्रोडक्ट, नीचे में क्या रखते हैं हम अभिकारक, ये तुमको याद होना चाहिए, जब ये याद रहेगा तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बड़ा वाला भी फॉर्मूला था मेरे पास, वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व फॉर्मूला है। तो देखो दो काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव दिया रहेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं ठीक है, या तुमको सेल का ईएमएफ दिया रहेगा तो तुम डायरेक्ट सेल का ईएमएफ भी पुट करके तुम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट तुम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का ईएमएफ, ये मानक स्थिति में दिया रहेगा, दो टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रोड विभव वाला करते हैं कि कोई भी खास एक इलेक्ट्रोड विभव दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड में ले जाएंगे। तो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन मैंने किया था ना इलेक्ट्रॉन विभव से रिलेटेड, एक किया था, एक क्वेश्चन और भी करेंगे, इसके बाद हम सेल का ईएमएफ जब दिया रहेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में तब आए तो उसको क्या करेंगे, हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ई का वैल्यू दो तरीके से आएगा, या तो तुमको इलेक्ट्रॉन विभव दे देगा स्टैंडर्ड कंडीशन का, तब पूछेगा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या है, या तुमको क्या दे देगा सेल का ईएमएफ दे देगा स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या पूछेगा वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, दो टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, सेल वाला है कि इलेक्ट्रोड व्यू वाला, इलेक्ट्रोड व्यू वाला, क्योंकि एक खास के बारे में बात किया ठीक है, सेल कब रहता है जब भी जो सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं उधर से भी कहानी करते तब क्या बन जाता है वो सेल बन जाता है, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोड व्यू ठीक। अब देखो तो ये क्या हो रहा है, क्रोमियम 3+ से कहां जा रहा है, जीरो में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है कम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे अवकरण का कहानी चल रहा है कि अवकरण का पोटेंशियल दिया हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन कितना है -0.75 वोल्ट, समझते क्या है, समझो तो मान लो मैंने क्या किया कंटेनर ले आया, कंटेनर में क्या करेंगे यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भर देंगे हम ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर में कौन सा रॉड लगा दिया मैंने यहाँ पे
क्रोमियम का रॉड है, क्या है ये क्रोमियम सॉलिड है, तो कुछ ऐसा क्रोमियम का रॉड होगा अंदर में, अंदर में क्या रखा हुआ क्रोमियम 3+ का आयन भरा हुआ, ये कहाँ लगा हुआ होगा, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ होगा, फिर बगल में कुछ सेल लगा हुआ होगा, तो ये कौन सा साइड है हमारा, ये अवकरण का साइड चल रहा है, दिया हुआ है अवकरण ये, ठीक बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका ई नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ, -0.75 वोल्ट, अरे यहाँ पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा तो मैंने पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर इसमें डाला, पोटेंशियल को मैंने मेजर कर दिया, इतना सारा दिया हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन में, तब क्वेश्चन क्या पूछा पता है, ई नॉट तो दिया ही हुआ, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हुआ, कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन, ये दिया हुआ डाटा है, क्या पता निकालने के लिए ई अवकरण निकालना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होगा, बताओ कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ इसका 0.01 मोलर, टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर पर ही बात करते कितना लेंगे हम 298 केल्विन, ठीक चलो फॉर्मूला अब अप्लाई करते हैं, देखो तो ई बराबर बताओ क्या निकालना है, अवकरण निकालना, तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम ई अवकरण बराबर ई नॉट क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, ये यहाँ पे क्या लगाएंगे हम ई नॉट अवकरण -0.06/n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। अब एक बार देखो तुम यहाँ पे हमको यहाँ पे ना 2 का वैल्यू रखना पड़ेगा, रिएक्शन चाहिए होगा तभी तो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बता पाएंगे, और रिएक्शन जब लिखेंगे तो वहां पे n का वैल्यू भी निकल जाए, कितना इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांसफर या लॉस या गेन हो रहा है, तो बताओ एक रिएक्शन लिखने वाले, ये वाला रिएक्शन लिख ले आप, हाफ सेल का रिएक्शन, हाफ सेल का रिएक्शन ऊपर रहते हैं कैसे लिखेंगे, Cr3+ से कहाँ जा रहा है Cr+ में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्रोमियम क्या होगा चिपकेगा यहाँ पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा चिपक जाएगा यहाँ पे, कुछ ऐसा कहने होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन उधर से आता है यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, तो बताओ क्रोमियम 3+ इस बार क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बना लेगा क्रोमियम सॉलिड बना लेगा, ये बात याद रख रहे तुम, ये कौन सा मीडियम होगा हमारा एक्वस मीडियम में रहता है तभी तो ये चिपकता ऊपर जाकर, अब बताओ इधर वाला क्या कहलाता है हमारा अभिकारक, इधर वाला क्या कहलाता है हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक अब बताओ n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n बराबर 3 है, ठीक है बताओ क्रोमियम ये हमारे पास जो ये अभिकारक जो है इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ क्रोमियम का 0.01 मोलर, इसको हम 0.01 कर लेते, ठीक है 10^-3 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रह सकता है, या तो हम क्या कर लेते हैं 10^-3 कर लेते हैं, कह दिया 0.001 दिया हुआ है, क्या लिखते हैं 10^-3 1/1 कितना हो जाएगा, ये 1000 से कितना 10^-3 लिख सकते हैं, तो बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना 10^-3 मोलर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का हम लोग नहीं लेते हैं, बताओ ये सॉलिड है तो सॉलिड है कितना लेते हैं 1 के बराबर लेते हैं, ये बताया था क्योंकि ये रॉड है हमारा, अंदर क्या है सुन ही लगवा तुम बात कर रहे हैं, चलो तो यहाँ पे अवकरण निकालना, बताओ क्या क्या रखेंगे अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में अवकरण का वैल्यू कितना दिया हुआ चेक करो तो -0.75 वोल्ट, तो बताओ यहाँ पे क्या रख लेंगे हम -0.75 वोल्ट, ठीक है -0.06 नीचे में क्या रखेंगे एन, एन का वैल्यू कितना आया है 3 के बराबर लॉग बेस 10, ठीक है बताओ प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है देखो तो 1 के बराबर रिएक्टेंट का वैल्यू कितना है 10^-3, बताओ -3 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10^-3, अब बताओ एक मिनट -0.75 -0.06/3 लॉग बेस 10, अब बताओ ये 10^-3 ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, अब इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं पावर आएगा पीछे लॉग बेस 10, 10 का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, तो बताओ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 के बराबर 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बताओ फाइनली हमारा क्या बच गया -0.75 और -0.06 सॉल्व करेंगे कितना होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 है 6 5 11 यानी माइनस कितना होगा 0.05
0.81 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा -0.81 वोल्ट। ये कब का वोल्टेज आया है, जब कंसंट्रेशन कितना से स्टार्ट किया मैंने 10^-3 मोलर। यहाँ पे कोई बोला है कंसंट्रेशन 10^-3 मोलर रखेंगे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा -0.81 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करो। तो अब हम सेल के बारे में बात करेंगे, हम जल्दी जल्दी मिनट चलो देखो दीदार, अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, जितना टॉपिक तो पढ़ाए थे उससे आगे बढ़ेंगे इसमें हम। देखो तो देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में इस बार सेल का पोटेंशियल दे दिया, वो डाटा तुमको दिया हुआ रहेगा। ये तुमको क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल का वैल्यू 1.10 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखो दो तरीका से बना सकते हैं, या तो यहाँ पे अवकरण रख देंगे, मतलब इलेक्ट्रोड विभव अवकरण या ऑक्सीकरण वैल्यू वगैरह पुट करके सॉल्व कर लेंगे। हाफ सेल का इक्वेशन से हम स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड जा सकते हैं, या तुमको डायरेक्ट सेल भी दिया रह सकता है। कंप्लीट सेल स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड में चेंज कर जाएगा हमारा। तो इस बार ना हम सेल का बात करते हैं। देखो तो सेल का ना स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज दिया हुआ कितना वोल्ट है, 1.10 वोल्ट। अब तुम एक बार चेक करेगा, एक बार बताया था डेनियल सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज कितना होता है 1.10 वोल्ट। नोट करके लिखाए थे, क्वेश्चन करवाए थे तो वैसे तुम लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेनियल सेल बोल सकते, क्योंकि वोल्टेज कितना आ रहा है 1.10 वोल्ट। डेनियल सेल का वोल्टेज कितना होता है 1.10 वोल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक, ये डाटा दिया रहेगा तुमको। बताओ डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक का रॉड होता है और क्या होता है, कॉपर का रॉड होता है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। सही है। हमको क्या निकालना है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब तुम बताओ तो अगर कंसंट्रेशन Zn+2 का कुछ चेंज कर दिया मैंने, इधर कॉपर 2+ का मैंने सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन था वो मैंने चेंज कर दिया, बताओ वोल्टेज चेंज कर जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन था, वो फिक्स था। हम बोलेंगे इसको क्या, डेनियल सेल का तुम स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज बताओ, तो ये दुनिया के किसी कोना में रहेगा तो कितना वोल्टेज बोलेगा 1.10, क्योंकि सब स्टैंडर्डाइज फिक्स है 298 केल्विन 1 मोलर कंसंट्रेशन। आप बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो गलत गलत आंसर देगा। कोई मान लो चेक कर रहा होगा 0.1 मोलर में, कुछ चेक कर रहा होगा 0.01 मोलर में, मतलब अलग अलग कंडीशन में। तो इसका कंडीशन कुछ ये दिया हुआ है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे सुनो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। कौन सा इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे हम, नॉर्थ समीकरण। क्या लगाएंगे हम, नॉर्थ समीकरण। बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ई। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, सेल लिखते हैं इस बार। क्या लिखते हैं, सेल। तो हिंदी में लिख लेते हैं इसको हम सेल। हाँ चलो सेल है ये कंप्लीट सेल का बात कर रहे हैं, हाफ सेल नहीं, अवकरण अवकरण नहीं लिखेंगे इसमें। इसमें पूरा क्या लिखेंगे हम, सेल लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, ई नॉट सेल। नहीं दिख रहा, चलो देखो, ई एम एफ सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विभव सेल का दिया हुआ, दोनों को जोड़ेंगे 100 है, और ये सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज दिया हुआ। बीच में क्या लगाते हम लोग, माइनस का साइन 0.06। नीचे में क्या लगाते हम लोग, एन लगाते हैं, इधर लगाएंगे लॉग बेस 10, ऊपर में क्या रखते हैं प्रोडक्ट, और नीचे में क्या रखते हैं रिएक्टेंट। ठीक, अब बताओ तो प्रोडक्ट आ रहा है और रिएक्टेंट आ रहा है यहाँ पे, तो हमको कुछ इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। तो इस बार जो इक्वेशन लेंगे ना हम, तो कैसा इक्वेशन लेते पता है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। हम सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाए थे, सेल रिएक्शन बताया था ना वहां पे, कि क्या करेंगे इसमें हम, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो बताओ तो इसका हम सेल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे हम। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं पता है, एक ऑक्सीकरण वाला पॉइंट को लिखते हैं पहले, बताए थे वहां पे हम, एक ऑक्सीकरण वाला, और एक नीचे में क्या लेते हैं हम लोग। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा, पहले बार में हम लोग भी पढ़ते थे थोड़ा दिक्कत होता था एक बार में। चलो देखो ऑक्सीकरण पे जाएंगे, तो बताओ ऑक्सीकरण पे क्या हो रहा है, जिंक से Zn2+ में हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो हमारे पास जो सॉलिड होगा वो पिघलना स्टार्ट करके क्या बनाता है, Zn2+, और दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बाहर निकालता है। कौन साइड में कहानी चल रहा है, ये दायां भाग की बायां भाग, बायां भाग में। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे बायां भाग में चल रहा है, क्योंकि कंप्लीट सेल चाहिए तो हमको कंप्लीट रिएक्शन लिखना पड़ेगा इस बार।
ठीक है, बताओ इस साइड में क्या हो रहा है, कॉपर टू प्लस क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, इसका दिया हुआ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा होगा, कॉपर सॉलिड बनाता होगा, ये क्या हमारा एक्वस है, ये हमारा क्या इधर रहता है, ये एक्वस रहता है, ये क्या रहता है हमारा सॉलिड रहता है, बताओ ये कौन सा भाग है हमारा, दाया भाग। ठीक, बताओ कंप्लीट सेल का बात करते हैं तो दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, पहले हाफ सेल था तो हाफ सेल को लिखते थे केवल इधर, अब कंप्लीट सेल है तो दोनों क्या करो ऐड कर दो, बताओ दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये इधर साइड में, इधर साइड में फिर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कट जाएगा, दोनों को जोड़ो तो किसका मोबाइल चल रहा है, कॉपर टू प्लस, इधर क्या बन रहा है जेड एन टू प्लस, कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड। ठीक, ये एक्वस है हमारा, ये हमारा क्या है एक्वस, ये हमारा क्या है सॉलिड, आप देखो तो सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बताओ ये सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना लेते हैं वन के बराबर, ये भी सॉलिड है कंसंट्रेशन कितना लेंगे हम वन के बराबर। ठीक, कॉपर टू प्लस का देखो तो दिया हुआ है 0.01 यानी 10^-2, तो अगर रख लो 10^-2 दिया हुआ है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग सेल का वोल्टेज आएगा हमारा, इसका कितना है 10^-1। ठीक, ये फॉर्मूला को हम आगे प्रूव करेंगे, हम अभी ऐसे ही लिखो डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। अब बताओ तो एक मिनट सुनो, एक मिनट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो कटता है ना वो वाला इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे हम, एक इक्वेशन पहले दिया था अवकरण वाला तो वहां पे एन का वैल्यू चेक करते थे इलेक्ट्रॉन कितना ले रहा है या दे रहा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कट रहा है वो वाला एन का वैल्यू लेंगे, कंप्लीट सेल में कौन सा वैल्यू लेते हैं एन का हम, जो इलेक्ट्रॉन आपस में कट जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन कट रहा है दो, अरे ट्रांसफर कितना हो रहा है, दो जा रहा था दो ले रहा है, ये ट्रांसफर कितना हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन का, तब चलो वैल्यू पुट करते इसमें हम, तो बताओ सेल का पोटेंशियल निकालना है हमको। ठीक है, बराबर ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.10 वोल्ट, रख लो यहाँ पे 1.10 वोल्ट माइनस, ऊपर में क्या रखेंगे यहाँ पे 0.06 बट्टा में एन का वैल्यू, एन यहाँ पे रखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन का कट गया इधर, तो दो इलेक्ट्रॉन कटा है तो एन का वैल्यू रखेंगे 2 लॉग बेस 10, बताओ प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट अभिकारक ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना 10^-1, तो ऊपर जाएगा 10^-1, अब 1 को क्या लिखे 1 से 1 कटे जाएगा कोई वैल्यू है मतलब नहीं है, उधर क्या 10^-2, अब बताओ ये दोनों टर्म कट जाएगा ऊपर से नीचे, तो नीचे में क्या बचेगा 10^-1, वो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10^-1 बचेगा, अरे कटेगा तो कितना बचेगा ये 10^-1, अब सॉल्व कर लो यहाँ पे 1.10 वोल्ट माइनस, बताओ 2 को 6 से जब डिवाइड करें तो कितना होगा 0.03, द्वितीय 6 0.03, लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा कोई मतलब नहीं है, आप करो तो कैसे करेंगे हम 10 में से 3 जाएगा तो 7 कितना होगा 7 यानी 1.07 वोल्ट आ गया इस कंप्लीट सेल का वोल्टेज, कब आ गया जब कंसंट्रेशन को मैंने चेंज किया था, मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पर सेल डिपेंड करता है हमारा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, जल्दी नोट करो इसको, ये क्वेश्चन दोनों कंपटीशन समय आता बोर्ड में नहीं पूछता है, नहीं ये कंपटीशन में ज्यादा पूछता है बोर्ड में नहीं पूछता है, बोर्ड में कौन पूछा है पता है, हाँ लिख लो इसको, वर्क बट्टा क्यू बराबर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे जो बताओ तो दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ कितना है, तो हमने क्या बोला कि डेल्टा भी जो दिया विभवांतर दिया उसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे, हम विभवांतर को मान लेते हैं डेल्टा भी मान लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी, ये ईएमएफ ऑफ द सेल इसको बोल सकते हैं, सुनो ये हमारा फिजिक्स एक फॉर्मूला आया है, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख लो, चलो यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द सेल लिख लेते हैं, डेल्टा भी को हम क्या बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, तो सेल का वोल्टेज हमको निकालना बराबर, मतलब वोल्टेज दिया रहेगा बराबर क्या होता है वर्क डन बटा चार्ज, एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स का, अब बताओ यहाँ पे क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है, तो वर्क को इधर रहने देते हैं चार्ज को इधर ले जाते हैं, तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन भी इनटू क्या हो जाएगा क्यू के बराबर, चेंज इन भी को क्या बोलते हैं हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्यू यहाँ पे क्या कितना चार्ज पास किया था, कितना पास किया एन फैराडे का चार्ज पास किया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग वर्क डन बोलते हैं, तो ये हमारा फिजिक्स से मैंने प्रूव किया है, केमिस्ट्री तुम ऐसे समझ सकते हो, तो चलो रहने देते हैं अगले क्लास में आगे बात करेंगे, नोट कर लो इसको।